सबसे पहले आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख लो कि भाई मैंने ये चैनल अभी बनाया था वी गिव स्माइल नाम से, जिसमें सिर्फ मैंने 12 वीडियो अपलोड करके 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए, और यहाँ पर मुझे डेली 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर डेली मुझे रिसीव हो जाते हैं, मेरे को डेली 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। तो मैं ऐसी क्या गलती नहीं कर रही हूँ और आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपके 0 व्यूज आ रहे हैं और मेरी हर वीडियो पे भाई 5K से ज्यादा ही ऊपर आ जाते हैं व्यूज। और मैं यहाँ पर आपको एक चैनल का भी एग्जांपल देके बताऊंगी कि वो भी आपकी तरह बिल्कुल सेम गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके भाई 0 व्यूज प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और उन्होंने 50 से ज्यादा वीडियो अपलोड कर दी बट फिर भी सब्सक्राइबर सिर्फ 22 हैं। तो वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, यही सब आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। तो ये वीडियो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को पहले से ही लाइक कर दो, और जो भी न्यू शॉर्ट्स क्रिएटर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। सबसे पहले आप इनका चैनल देख लो, यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दूंगी। इनके चैनल का नाम है वैद फैक्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इनको इन्होंने 23 सब्सक्राइबर हो चुके हैं इनके, और 60 वीडियो होने वाली है। मतलब आप देख सकते हो कि 60 वीडियो अपलोड होने वाली है और इनके अभी भी 23 ही सब्सक्राइबर हैं। तो ऐसी क्या गलती कर रही है, ऐसी 5 गलतियां कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हो जिसकी वजह से आपको 0 व्यूज प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और इसी की वजह से आपके 1K 2K व्यूज पर आकर रुक जाती है। तो मैं यहाँ पर इनकी 5 गलतियां बताने वाली हूँ कि भाई इनका चैनल फ्यूचर में कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा अगर ये सेम गलती करते रहे तो। तो सबसे मेन चीज और लास्ट वाली जो गलती है यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप डेफिनेटली कर रहे होगे तो आप उसको गलती को नहीं करना है, तो इसलिए वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे मेन गलती जो इनकी फर्स्ट गलती ये है कि इनकी नीज डिसाइड नहीं है, मतलब इनके टॉपिक ही डिसाइड नहीं है। मतलब ये क्या कर रहे हैं, देखो कभी लाइफ एस वीडियो डाल दे रहे हैं, कभी कंपैरिजन वीडियो डाल रहे हैं, कभी फैक्ट रिलेटेड, मतलब इनका टॉपिक ही डिसाइड नहीं है भाई, कभी भी कोई भी वीडियो डाल दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, एंड आई नो कि आप 100% मैं श्योर हूँ कि आप भी यही सेम गलती कर रहे होगे। मतलब एक ही डिसाइड करो टॉपिक जिसपे आप रेगुलर वीडियो अपलोड करो। सेकंड गलती मैं आपको बता देती हूँ, इनकी सेकंड गलती है वॉइस ओवर। सबसे पहले आप इनकी वीडियो देखो ये वाली, जो 99% लोग नहीं जानते हुए। नंबर वन, क्या आपको पता है राष्ट्रपति के अवार्ड गार्ड में 3 समुदाय राजपूत जाट और सिखों को ही भर्ती किया जाता है। नंबर दो, गाजियाबाद में एक ऐसा चोर पाया गया है जो विधायक और मंत्री के घर में चोरी कर गरीबों में डोनेट कर देता था। नंबर थ्री, हमारे सिर के बाल इतने मजबूत। अब यहाँ पर आप देखो इनकी वॉइस ओवर जो है ना इतना ज्यादा फास्ट है कि अगली जो ऑडियंस आपकी देख रही होगी, इनकी जो ऑडियंस वॉच कर रही होगी, वो भाई टोटली स्किप कर देगी। क्योंकि क्या है, जब आपकी ऑडियंस कोई समझ नहीं आएगा कि आप बोल क्या रहे हो, आप बोलो। देखो वॉइस ओवर क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, आप थोड़ा तेज बोलो लेकिन थोड़ा धीरे बोलो। मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा एकदम तेजी स्पीड में चलते जा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा बोलो कि भाई अगले बंदे को समझ तो आए एटलीस्ट। आप बोलो थोड़ा तेज बोलो, अपनी वॉल्यूम को थोड़ा सा तेज करो और आराम से बोलो ताकि आपकी जो ऑडियंस वॉच कर रही है वो आपकी वीडियो को अच्छे से समझ पाए। इनकी मैं यही गलती बताना चाहूंगी कि वॉइस ओवर इनका अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये आगे फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम होने वाली है और इनका भाई चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा कभी भी। अगर ये ऐसे ही वॉइस ओवर करते रहे तो कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। मैं थर्ड गलती बता देती हूँ कि ये भाई तीसरी ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिनकी वजह से इनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो देखो सबसे पहले आप इनका टाइटल देखो, ये टाइटल क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको टाइटल दिखाऊं तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स, और इतनी ज्यादा इमोजीज भर दी है कि भाई क्या ही बताऊं। तो देखो इनका टाइटल ही कैची नहीं है, आपको टाइटल को थोड़ा कैची रखना है और थोड़ा रिलेटेबल रखना है कि भाई जो आपकी ऑडियंस वॉच कर रही है उनसे थोड़ा रिलेट कर पाए, और थोड़ा कैची रखो कि आपकी ऑडियंस भाई देखे कि हाँ भाई ऐसा क्या है इस वीडियो में जो मैं देखूं। तो इसलिए इनका जो टाइटल है वो बिल्कुल भी सही नहीं है अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि इमोजी भी इतनी ज्यादा मत डालो कि आपका भाई टाइटल ही समझ में आ रहा हो। टाइटल थोड़ा कैची रखो, थोड़ा ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए। चौथी गलती है टाइमिंग, और मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि मैं इनके चैनल को 5-6 दिन से ऑब्जर्व कर रही हूँ, इसीलिए मैंने इनकी जितनी भी गलतियां अभी आपको बताई है तो इसीलिए मैंने बताई है। मैं लाइव प्रूफ के साथ आपको बात कर रही हूँ यहाँ पर, मैं हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, कहीं आप सोचो कि ऐसी बस बता रही है, मैं ऐसी नहीं बता रही हूँ। मैंने काफी टाइम से इनके चैनल को ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि भाई ये क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, और मैं कन्फर्म हूँ कि आप भी यही सारी गलतियां कर रहे होंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि जिससे कि आप वो गलती ना करो, कि आप अगले टाइम से वो अपनी गलती सुधारो अगर आप ये गलतियां कर रहे हो। और लास्ट वाली गलती प्लीज सुन के जाना, कहीं आप भी वो गलती कर रहे होगे जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो इनकी जो चौथी गलती है वो यही है कि भाई इनकी टाइमिंग ही डिसाइड नहीं है। आप देखो टाइमिंग से फर्क पड़ता है, टाइमिंग से फर्क पड़ता है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई किसी भी टाइम अपलोड कर दो, ऐसा नहीं है। मैंने खुद काफी टाइम से इनके चैनल को देख रही थी, ये मैंने देखा कि भाई ये कभी भी वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, कभी ये दिन में अपलोड कर रहे हैं, कभी दोपहर में, कभी शाम को 5 बजे, मतलब मिक्सअप कर दे रहे हैं बिल्कुल। और काफी बंदे बोलते हैं कि भाई टाइमिंग से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, टाइमिंग से फर्क पड़ता है। मैंने खुद ऑब्जर्व करके देखा है, क्योंकि मैंने अपनी वीडियो जब मैं डालती थी तो मेरी टाइमिंग डिसाइड हो गई थी कि मैं 5 बजे अगर वीडियो डालती थी ना तो मेरी ऑब्वियसली वो रैंक करती थी, बट फिर मैंने देखा कि भाई मैं किसी और टाइम पर अगर
वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो मेरी वीडियो चलती ही नहीं है। तो आपको टाइमिंग डिसाइड कर लेनी है, एक ही टाइम पकड़ो जिस पर आप वीडियो अपलोड करोगे। भाई ऑब्वियसली वीडियो वायरल होती है, अगर आप अलग अलग टाइम पर अपलोड करोगे तो उससे फर्क पड़ता है। जैसे कि इनके चैनल को मैंने आपको दिखाया कि ये कभी भी वीडियो अपलोड कर दे रहे, जिसकी वजह से इनके चैनल पर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है और ये आगे चलकर भी ग्रो नहीं हो पाएंगे अगर यही गलती सेम करते रहे तो। और वीडियो को भाई लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं आगे चल के अपने खुद के चैनल के बारे में बताऊंगी कि मैं उसमें ऐसा क्या कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे जीरो व्यूज प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, तो भाई लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर इनकी पांचवी गलती मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वीडियो डाउनलोड करके बस अपना वॉइस ओवर करके एडिट तो कर ही नहीं रहे हैं, दूसरे की वीडियो डाउनलोड करके सिंपली बस वॉइस ओवर करके डाल दे रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको दूसरों का शॉर्ट्स, वो भी शॉर्ट्स डाउनलोड करके नहीं डालना है डायरेक्टली। आपको अगर लेना ही है, मतलब किसी का अगर आप कंटेंट ले भी रहे हो जैसे कि लाइव एक्स वगैरह, तो उनके डायरेक्ट चैनल पर जाओ और वहां से आप डाउनलोड करके भाई खुद की वॉइस ओवर और एडिटिंग, मतलब खुद का ओरिजिनल कुछ क्रिएट करके तब आप अपलोड कर सकते हो। इनकी तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई आप सीधा मतलब डाउनलोड कर रहे हो किसी की और अपलोड कर दे रहे हो डायरेक्टली, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप मोनिटाइज करवाने जाओगे तो आपको क्या होगा, रीयूज कंटेंट आ जाएगा जिसकी वजह से आपको चैनल पर बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और भाई चैनल भी डिलीट हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे खुद के चैनल पे मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ जिसका नाम है वी गिव स्माइल, जिस पर मैंने सिर्फ 12 वीडियो अपलोड किया और यहाँ पर मुझे डेली 500 से 700 सब्सक्राइबर डेली मिल जाते हैं। तो मैं ऐसे यहाँ पर क्या टिप्स एंड ट्रिक लगा रही हूँ जो कि आप भी लगा सकते हो अगर आप अपनी वीडियो को वायरल करना चाहते हो, एंड आई नो कि आप वही गलतियां कर रहे हो जो कि मैंने आपको बता दी है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि क्या टिप्स एंड ट्रिक लगा रही हूँ। देखो सबसे मेन चीज जो मैंने यहाँ पर की है वो ये है कि आपको अपनी वीडियो के लाइक्स हाइड कर देना है। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो ना तो अनलिस्टेड के टाइम पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपने वीडियोस के लाइक जो है वो हाइड कर सकते हो, तो सिंपल सा आपको वहां पर जाकर हाइड कर देना है। तो उससे क्या होगा ना कि देखो अगर आपकी कोई भी ऑडियंस है तो अगर आपको वो वॉच कर रही है तो वो क्या होता है कि अगर आपके कम लाइक्स देखेगी ना तो वो स्किप कर देगी। तो वहां पर आपको अपनी यहाँ पर आपको माइंड दौड़ाना है अपना, जैसे कि मैंने किया, अपनी वीडियो के लाइक्स ही हाइड कर दो, जिससे क्या होगा अगर आपकी वीडियो अच्छी भी नहीं होगी ना तो भी वो रैंक कर जाएगी, तो अगर किसी भी ऑडियंस को वो चीज अच्छी भी लगेगी ना तो वो लाइक कर देगी। तो इसलिए सबसे मेन चीज आपको लाइक हाइड कर देने, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और सेकंड थिंग ये कि आपकी वीडियो का टाइटल ना अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पापा के पैसे बचाओ, मम्मी की मार से बचो, मम्मी भी लाइक बेटा तू पकड़ा गया, ऐसे कुछ भी मतलब कैची टाइटल आप बना सकते हो रिलेटेबल, जिससे कि क्या होगा ना कि आपकी वीडियो वायरल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या होती है ना कि आपकी वीडियो एडिटिंग अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर देखो मेरी एडिटिंग कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है क्योंकि अब मेरे को काफी एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो इसलिए मेरी एडिटिंग काफी अच्छी हो गई है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी भी वीडियो एडिटिंग अच्छी लगे, मतलब ऑडियंस को कैची लगना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए आपकी वीडियो, तो अगर आप एडिटिंग की वीडियो सीखना चाहते हो, मतलब एडिटिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके अच्छे से एडिटिंग सीख सकते हो जिसकी वजह से आपकी वीडियो भी वायरल होगी। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या है ना, यहाँ पर देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने खुद के चैनल पर, क्योंकि देखो मैं लाइफ एक्स वीडियो डालती हूँ तो मेरी यहाँ पर सारी की सारी वीडियो चल रही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई एक बार कुछ अलग टॉपिक पर वीडियो डाल के देखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको काफी बार बोल रखा है कि किसी एक ही टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने खुद के चैनल पर कि अगर मैं कोई और वीडियो डालूंगी तो वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहाँ पर मैंने देखो आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने मिनी ब्लॉग टाइप करके एक वीडियो डाल दी थी बट वो नहीं चली, सिर्फ उसमें 153 व्यूज आकर रुक गए। फिर मैंने दोबारा लाइफ एक्स वीडियो डाली तो वो चली गई मेरी 2K, 5K, 3K। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने आपको जो बात बोली थी वो बिल्कुल परफेक्ट है और सही है कि आपको सिर्फ एक वीडियो, मतलब एक टॉपिक डिसाइड कर लेना है भाई कि उसी पर वीडियो डालो। यहाँ पर आप मेरे देख सकते हो मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया था कि आप लोगों को दिखा पाऊं कि आप वो गलती ना करो, मतलब एक वीडियो अगर बना लिया, एक टॉपिक डिसाइड कर लिया तो उसी टॉपिक पर वीडियो आप कंटिन्यू रखो। मान के चलो कि जैसे सौरभ जोशी है, तो सौरभ जोशी की ऐसा नीच डिसाइड हो रखी है कि भाई वो व्लॉग ही डालते हैं अपने चैनल पर, और अगर वो अचानक से टेक्निकल वीडियो डालने लग जाए तो उनकी वीडियो नहीं चलेगी क्योंकि उनकी एक टॉपिक डिसाइड हो गया कि भाई वो व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग ही उनकी चलती है और वायरल भी होती है। तो ऐसे ही सेम चीज आपको भी करनी है यार, आपको सिर्फ एक ही टॉपिक डिसाइड कर लेना है और उसी पर आपको कंटिन्यू रहना है और वीडियो अपलोड करनी है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो जो अब आपको नहीं करनी है। तो अगर जो भी मैंने गलतियां बताई है प्लीज उसे मत करना, और भाई मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आपका स्टार्टिंग में अभी आप चैनल बनाया है ना आपने, तो प्लीज लाइक हाइड कर लो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी एडिटिंग और भी ज्यादा बेटर हो जाए और अच्छी लगे ऑडियंस को तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाकर जरूर देख लेना। आपको मैं गारंटी दे रही हूँ भाई बहुत अच्छे तरीके से आप एडिटिंग सीख जाओगे। सो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।